नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आज राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाया जा समारोह जो है वो मनाया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के जो MLC हैं संजय सिंह, उनके द्वारा ये पूरा आयोजन राजधानी पटना के मिलर ग्राउंड में किया गया है। कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और अब से कुछ देर के बाद यहां पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस 2023 जो है यहां पर मनाया जा रहा है। पूरी तरीके से तैयारी जो है वो लगातार कई दिनों से की जा रही थी और आज देखिए ये पूरा समारोह जो है वो राजपूतों के जो है उसी को लेकर किया गया है, महाराणा प्रताप को लेकर जो है वो। ये तमाम जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मिलर ग्राउंड की ये तस्वीर है, जहां पर तमाम जो राजपूतों की संख्या है वो यहां पर पहुंची है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से सभी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो है वो भी कुछ देर के बाद यहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के मिलर ग्राउंड की, संजय भैया पर देखिए तमाम नेता है नमन करते हैं। 57.07 जो स्कॉर्पियो है वो हटा ले, नहीं तो उसको ट्रैफिक टांग के ले जाएगी। ये तमाम लोग, ये एक सूचना प्राप्त हुई है ट्रैफिक आज बहुत खुशी की बात है। 57.07 जो स्कॉर्पियो है महाराणा प्रताप वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनका मेरे यहाँ आ रहा है। तमाम जो लोग हैं पिछले बार महाराणा प्रताप के अति पिछड़ा से दबा हुआ चला रहा है, इस बात को लेकर दोहराया। महाराणा प्रताप राजपूतों का शान थे, मूर्ति का राजपूतों के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। फ्रेजर रोड में उस मूर्ति का उद्घाटन जो है जब महाराणा प्रताप नीतीश कुमार ने मुगल बादशाह से झगड़ा किए थे, स्वाभिमान दिवस एक एक बार में 10-10 जिलों से जो आदमियों को मार गिराते थे। महाराणा प्रताप का मतलब होता है शेर, राजपूत का मतलब होता है शेर। शेर अगर जागता है तो दहाड़ देता है, गिद्धों को मांस नहीं लेना देता है। ये जो है तो अलग अलग आज हम लोग राजपूत लोग शेर बन के उतरे हैं वो हम आप तक, और शेर का मतलब है दहाड़ना।